व्यापार मंडल हमीरपुर का गठन कर लिया गया है। हमीरपुर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन कर व्यापार मंडल के नए पदाधिकारियों की सूची भी सार्वजनिक कर दी गई। अनिल सोनी को हमीरपुर नगर व्यापार मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जबकि व्यापार मंडल के चेयरमैन पर विपिन शर्मा को चुना गया है। व्यापार मंडल हमीरपुर का गठन कर लिया गया है। हमीरपुर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर व्यापार मंडल के नए पदाधिकारियों की सूची सार्वजनिक कर दी गई है। अनिल सोनी को हमीरपुर नगर व्यापार मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जबकि व्यापार मंडल के चेयरमैन विपिन शर्मा को चुना गया है। सभी व्यापारियों के प्रति आभार जताते हुए उनके हित की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। इसमें कई व्यापारियों ने भाग लिया। नवनियुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिल सोनी ने जानकारी दी है कि व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए व्यापार मंडल हमेशा सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण एवं बाजार में ट्रैफिक जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर व्यापार मंडल प्रशासन का भरपूर सहयोग करेगा। उन्होंने बताया कि हमीरपुर व्यापार मंडल में सभी वर्गों एवं वार्डों के व्यापारी शामिल किए गए हैं तथा अब पूर्व के सभी मतभेद समाप्त कर पूरा व्यापार मंडल एक है। अनिल सोनी के अनुसार अश्विनी जगोता को वरिष्ठ उप प्रधान, रजिंद्र सोनी महासचिव, मुनीश पुरी कोषाध्यक्ष तथा विनोद पुरी को वित्त सचिव का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर जोगिंदर बल्लार, मनोज शर्मा, सुरेश हांडा, अजय वर्मा, नरोत्तम आर्य, राकेश गुप्ता, संजीव पटियाल, अशोक शर्मा, जगन्नाथ, सुरजीत गौतम एवं सुशील कुमार की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त संयुक्त सचिव का पद जसवंत राणा तथा सचिव के पद पर विनोद चोपड़ा, सुभाष शर्मा, जितेंद्र पुरी, विपिन ठाकुर, अरुण पटियाल, शुभम शर्मा, अजय शर्मा, सुनील ठाकुर, गौरव शर्मा व विनय कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। सुमित ठाकुर को आईटी सेल व प्रेस सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। हमीरपुर का गठन किया है, जो कि हमारा गए एतवार को इलेक्शन हुआ, जिसमें कि ये हमारे जो विभिन्न जो हैं वो ऐसे चुने गए हैं। चेयरमैन में हमारे विपिन शर्मा जी, अध्यक्ष में मेरा नाम है अनिल सोनी, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष में है श्री अश्विनी जी गुप्ता, महासचिव हैं हमारे राजेंद्र सोनी बंटी जी, और हमारे कोषाध्यक्ष हैं मुनीश पुरी जी, हमारे वित्त सचिव हैं मिस्टर विनोद पुरी, ये हमारे प्रेस सचिव रहेंगे सुमित ठाकुर जी। तो इसके अलावा हमारी जो कार्यकारिणी है उसमें हमारे 50 से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे सीनियर लोग हैं, जिनको अपनी कार्यकारिणी में जोड़ा है उनकी सहमति से, और भी बहुत लंबी चौड़ी हमारी टीम है जिसको हमने बनाया है। तो अब मैं आपको विस्तार से इसके हमारे जो एजेंडाज हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो व्यापार मंडल का गठन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमीरपुर शहर में आए दिन कोई ना कोई हमारे व्यापारियों को या एडमिनिस्ट्रेशन को व्यापारियों से या व्यापारियों को एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ना कोई दिक्कत आए दिन चली रहती है। तो उसके लिए व्यापार मंडल का गठन करना हमारा ज़रूरी था, तो इसलिए सब लोगों ने ये साझा प्रयास किया जिसमें सफल हुए हैं हम लोग। और मैं अपने व्यापारी भाइयों से सबसे पहले ये अपील करना चाहूँगा कि हमारी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये आश्वासन देना चाहूँगा कि आपको व्यापारियों की तरफ से किसी भी तरह की ना इंक्रोचमेंट की तरफ से ना कोई और लीगल इलीगल किसी भी तरह से आपको हमारी कोई समस्या नहीं आएगी, और मैं आशा करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमारे व्यापारी भाइयों को बिना किसी कारण से ना तंग किया जाए। और कुछ हमारे ज्वलनशील मुद्दे हैं उनको भी हम टिकअप करेंगे समय आने पे। तो इस तरह से हमारा ये व्यापार मंडल का गठन हमने किया है। हमारा जो गठन हुआ है इसमें हम अगली जो कार्यकारिणी हमारी हर दुकान से हम एक एक वोट बनाएंगे, जिनके भी हमारे पास शॉप एक्ट में जो लोग रजिस्टर्ड हैं या जिनके पास जीएसटी नंबर है उनका सबका इसमें वोट बनाया जाएगा, जिसका हम अभी बड़ी जल्दी उसकी अगली जो काम है उस पर काम अपना शुरू करेंगे। तो जब तक हमारा अगला
चुनाव नहीं आ जाता तब तक यही कार्यकारिणी काम करेगी। ये करना था क्या ऊपर वाला बाजार, क्या नीचे वाला बाजार, क्या मिडिल बाजार, और अब हम सबके साझा प्रयास से ये कमेटी गठित हुई है, तो इसको हम चाहेंगे कि ये अच्छा कार्य करे ताकि इसमें लोगों के अप्रिसिएशन भी रहे और सारी चीज़ ठीक रहे। ट्रेडर्स वेलफेयर टाइप का हमारा काम रहेगा कि जिसमें हमारे व्यापारी बंधु जो हैं वो हमारी एक वेलफेयर एसोसिएशन टाइप रहेगी ये, कि जिसमें हमारे ट्रेडर्स को, हमारे दुकानदारों को, हमारे व्यापारी भाइयों को अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो हम उनके साथ खड़े होंगे। और ये मैंने पहले भी अपने बोला है मैंने कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी, और हम आशा करते हैं कि हम लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई तकलीफ ना आए। विधायक साहब के पास गए थे तो विधायक जी ने हमारे सामने उनको फ़ोन करके ऐसा बोला था कि ये जो हमारा बाज़ार 5 से 7:30 तक बंद रहता है उसको खोला जाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ अपने सारे साथियों के साथ हम बड़ी जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन को मिलके हम इसको खुलवाने का प्रयास करेंगे। और मैं ये भी साथ ही ये बोलना चाहूँगा कि जैसे ही ये खुलेगा तो उसमें ऐसा ना हो हमारी तरफ से या जो हमारे बाइकर्स हैं या स्कूटर चलाने वाले हैं, गाड़ी चलाने वाले हैं, वो अपनी स्पीड लिमिट हमारी पुलिस तय करे ताकि वो इस स्पीड से चले ताकि कोई जो लोग ग्राहक होते हैं या ख़रीदारी करते हैं, बाज़ार में घूमने निकलते हैं, उनको किसी तरह की परेशानी हमारी तरफ से ना हो, तो ऐसी हम व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। इसका सुनिए साहब, कुछ संगठन जो है वो विरोध भी कर रहे हैं कि जो टाइमिंग आप उनकी बात सर उनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे स्कूटर वाले जो यंगस्टर्स हैं वो ऐसे चलते हैं, उनको किसी को लग गई होगी या लग जाती है या ऐसा कुछ उन्होंने, तो ये सोच के उनकी मंशा यही है, यही थी पहले भी कि इस चीज़ को, इसमें ये भी बोल रहा था कि एक जो इसको एक मार्क इसमें स्पीड लिमिट कम कर दिया जाए, स्पीड लिमिट 20 कर दिया जाए, उसको सर पहले ही सवेरे भी एक इसमें स्कूल टाइमिंग होती है सवेरे जिसमें बंद होता है, दोपहर को ही बंद होता है, तो शाम के समय ऐसी कोई दुर्घटना की संभावना नहीं है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करना चाहूँगा कि वो स्पीड लिमिट के लिए कुछ कॉन्स्टेबल्स की नियुक्ति करे बाजार में ताकि वो लोगों की स्पीड पे थोड़ा सा ध्यान रखें और इस व्यवस्था में हमारा सहयोग करें ताकि हमारे दुकानदार भाइयों का भी बिजनेस लॉस ना हो, तो ऐसे में उम्मीद करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे आप इस अतिक्रमण को, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं लोगों के ऊपर एक्शन कमेटी होती है। सर ऐसा है कि हमारी कमेटी अभी ताज़ा ही गठित हुई है, इसके ऊपर हम विचार करके इसको हम अच्छे ढंग से इसको हम एक सुनियोजित तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे, जिसमें रेडी फड़ी वालों के साथ भी बैठ के हम चर्चा करेंगे कि उनको कैसे ऐसे एडजस्ट किया जाए कि ताकि हमारी ट्रैफिक को भी दिक्कत ना हो, दुकानदारों को भी दिक्कत ना हो और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमारी वजह से कोई दिक्कत ना हो, तो हम ये सारी चीज़ें एक मंच पर बैठ के हम ये चर्चा करेंगे और इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे।